हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग जी। हाँ सर, वो आपने शेयर किया था ना, एक अभी न्यू मॉडिफाइड वाटर मिल डाइट, राइट? हाँ, तो वो समर के लिए है या विंटर के लिए है? क्या अभी वो किसी भी टाइम तो ले वैसे सकते हैं? तो किसी भी टाइम का है, पर फिलहाल तो अभी 1-2 महीने के लिए। द आइडिया वाज कि उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट्स हो, ओके ओके, ठीक तो है सर। उसमें। मेरा तो ऐसा फीडबैक है, एसिडिटी तो बिल्कुल नहीं है, एसिडिटी हाँ, तो है नहीं, ठीक है। अब और इतना शुगर गैस, वगैरह बढ़ा हुआ है हाँ वो तो अब तो थोड़ा काफी कंट्रोल है, बट कैसे? वो मतलब कंट्रोल इन द सेंस वो 160 150 ऐसे आसपास आता है खाना खाने के बाद। तो इट्स लाइक ग्लूकोमीटर में तो 20-30 रीडिंग कम लेके चले तो इट्स नॉर्मल ना हो, 200 तो नहीं है, बट वो आपने जैसा कहा था वो थोड़ा टाइम लेगा, वो तो ठीक हो जाएगा। बट हाँ, एसिडिटी हो रहा था जैसे, और गैस बहुत बन रहा था, वो गैस नहीं है बिल्कुल भी, मतलब अब मेरे को गैस है ही नहीं। जैसे मैं आपको पहले बताता ना, आपने बोला था कि बहुत बदबू आती है तो वो गलत है, तो अब वो तो है ही नहीं सर। तो देखिए, इसका बेसिक एम ये था कि जैसे वॉक एंड रेस करते हैं, तो वॉक एंड रेस का कुछ रिक्वायरमेंट कम किया जा सके। और दूसरा, बहुत से लोगों का, जैसे डायबिटीज में तो सभी लोगों का ऑलमोस्ट ये हो रहा था कि 15-20 दिन के लिए शुगर गिरती थी, फिर बढ़ने लगती थी। और यही चीज फीडबैक सिमिलर आती थी एसिडिटी और बाकी चीजों में। एसिडिटी वगैरह ठीक हो जाती थी, 90% 100% भी ठीक हो जाती थी कुछ लोगों। नहीं, पहले पहले एक बार वो बहुत पहले मैंने बात की थी तो मेरे तो 100% दोनों चीजें क्योर हो गई थी। ठीक, आप जिसको हंड्रेड और परसेंट बोलते हैं, शायद वो 100% ना हो, क्योंकि ओके। एक होते हैं सिम्टम्स जो डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं, एक होता है कि जो परफेक्ट शेप में नहीं है। सो मेरा मानना यह है कि ये, क्योंकि ज्यादातर लोगों का फीडबैक ये आता था कि शुरू के 3 दिन में जो फायदा हुआ वो बाद में उतना नहीं हो रहा, जबकि एक ही चीज को अगर कोई आप ठीक चीज कर रहे हैं तो हर बीते दिन के साथ में आप में इम्प्रूवमेंट होते रहने चाहिए। नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, नेगेटिव तो नहीं है सर कुछ भी। और उससे क्या हुआ कि नींद भी मेरा इम्प्रूव हुआ है, मतलब नींद बहुत प्रॉपर तरीके से आती है अब। जैसे मैं सुबह ना, मेरे को क्या होता था कि 3 बजे आँख खुल जाती थी तो वो फिर नींद नहीं आती थी, मतलब, और जिसको कहते हैं ना साउंड स्लीप, वो नहीं होता था, तो वो भी इम्प्रूव हो गया। मतलब मैं 4-5-10 दिन से मतलब अच्छा सो नहीं, पा रहा हूँ। आप एक चीज समझिए, आपकी शुगर आ रही है 160-180 भी मान लेते हैं, हाँ तो आपके सेल्स में डायबिटीज का मतलब है, जब भी आपकी शुगर बढ़ रही है तो आपके सेल्स में ग्लूकोज कम हो गई। अच्छा हाँ ग्लूकोज जाने का रास्ता ब्लड है। हाँ अगर आपके सारे पैरामीटर चेंज हो गए, इम्प्रूव हो गए, जैसे आप नींद का कह रहे हैं, एसिडिटी का कह रहे हैं, गैस का कह रहे हैं, कंफर्ट का कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि सेल्स में जो कमी थी वो बॉडी पूरी करने में लग गई, ओके और उसके बाद में जब वो कमी पूरी हो जाएगी तो आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा। ओके गॉट इट। तो इसलिए 180 120 200 तक तो दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका पहले ही ज्यादा नहीं गया था। तो होपफुली 15-20 दिन महीने के अंदर वो रिवर्स होके 100 के नीचे आ जाना चाहिए। मतलब तो मेरा सर, जब आपके साथ आपका जो फॉलो किया था ना, तो मतलब खाने के से पहले 98 ऐसे रहता था, ठीक है। खाने के बाद भी वही रीडिंग आती थी जो आप बताते, एक्चुअली एक हेल्दी इंडिविजुअल का ऐसे ही होता है, तो वो बिल्कुल ऐसा सेट था। तो फिर मतलब मैं पहले क्या करता था कि ज्यादातर 3 मील ही लेता था, मतलब मैं सुबह फ्रूट खाता था, फिर उसके बाद नाश्ता कर लेता था, फिर उसके बाद दोपहर में मतलब अपना खाने के साथ में पानी, जैसा आप बताते हैं खाने से 1 घंटा पहले पानी। वो तो जब मैंने वाटर रिड्यूस किया था फर्स्ट 4-5 दिन में ही, मतलब एकदम से सब चीजों में रिलीफ हो गया था, बट फिर मैंने उसके बाद इतना ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि मैं कंटिन्यूअसली वो फॉलो नहीं कर पाया। जैसे आपके जो पैटर्न ना, तो शायद ये दोबारा से रिकरनी होती, तो अब हाँ, मैं अब उसको देखिए सही से पंद्रह फॉलो बीस दिन और करूंगा। करिए। हाँ, 15-20 दिन और करिए, होपफुली आपका भी फीडबैक पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, मतलब वो मेरा मतलब रिस्टोर हो जाए तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हाँ, मैंने शुरू से कोई मेडिसिन नहीं खाई है कभी भी किसी भी चीज बिल्कुल की, बिल्कुल तो मैं वही लेके चल रहा हूँ कि हाँ ये रिस्टोर हो जाएगा। बिल्कुल। और एक और फीडबैक देना था सर, कि मैंने आपसे एक बार बताया था ना कि मैं मतलब खाने को ज्यादा चूई करके चबाने से, तो उससे भी मेरे को बहुत रिलैक्स मिला है। एटलीस्ट मतलब उससे मैं 15 टाइम्स से ज्यादा च्यू करता हूँ उसको, जब बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है ना तब स्वेलो करता हूँ, तो जो मैं सलाइवा मेरा वो बढ़ गया है, तो मुझे सलाइवा बढ़ने से ये बेनिफिट मिल रहा है कि जो मेरा मतलब मैं टॉयलेट जाता था, लैट्रिन करने जाता था, तो वो हार्डनेस आने लगी है उसके अंदर। अब पहले वो बहुत लूज होता था हमेशा। ओके, अभी हार्ड हो रहा है।
अब वो हार्ड हो रहा है, और उससे ये है कि मुझे मतलब मैं पहले भी 4 रोटी 5 रोटी खाता था, बट क्या है च्यू करने से मैं 2.5 3 रोटी ही खा पाता हूँ, बट मेरा पेट फुल हो जाता है। अब ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि बट मैंने देखा है कि च्यू करने से ज्यादा मुझे थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं ऐसे ही चालू रखूं या ये ऐसा करना छोड़ दूं? मतलब च्यूइंग से कुछ ना कुछ तो ब्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं, जो मुझे थोड़ा सा लगा, जैसे कई बार नेट पे एक सर्च कर लिया, उसमें जैसे एक दो वीडियोस मिली, उसमें बताया च्यूइंग बहुत एक मेथड है कि सलाइवा जनरेट करने का, ठीक है, वैसे मुंह सूखा सूखा रहता था बट च्यूइंग करने से सलाइवा रहता है काफी, और मुंह में जब भी मैं खाना खाता हूँ तो वो पूरा के पूरा सलाइवा से भर जाता है, तब मैं उसको स्वेलो करता हूँ तो वो मुझे मतलब अच्छा फील होता है पेट में। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू करिए, देखते हैं ठीक है फिर सर, आपका शुगर कितनी देर में, जब आपका 100 के नीचे 4-5 दिन के लिए रह जाए ना, तब जरूर हाँ, बताइएगा। नहीं, मैं तभी आपको फीडबैक देने के लिए कॉल किया, स्पेशली मैंने तो फीडबैक एसिडिटी और जो मैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट ये लगा के चली कि हर खाने के बाद तो मेरे को गैस पास होती रहती थी, अच्छा तो वो एक भी खाने के बाद एक बार भी नहीं हो रही है, माइक भी रात को सोते हुए पास होती हो मुझे नहीं पता, बट दिन में एक एक बार भी नहीं हुई है, जैसे आज का दिन गया है, उससे पिछले भी जितने दिन गए हैं उसमें एक जब से इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ है तब से एक बार भी नहीं हुआ है। चलिए, होपफुली अब हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। हाँ मैं यही कर रहा हूँ, बट ये ठीक है टाइम लगे कोई बात नहीं, और बाकी ये वाला जो अपने वाटर मिल बनाया है इसमें मुझे लगता है कि इस वाले के रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे, मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा सर जो आपने शेयर किया है, ओके, ठीक है, तो ठीक है इसको मैं स्टार्ट करने के बाद 1 वीक के बाद आपको फीडबैक दूंगा सर, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है थैंक सर, ओके सर, वेलकम, थैंक यू सर।